हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं करेला चिप्स, जो कि बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता और बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ करेला चिप्स। करेला चिप्स बनाने के लिए हमने लिए है 4 करेले मीडियम साइज का, आप देख लीजिए। अभी हम इसको पतले पतले करके काट लेंगे। अभी आप लोग देखिए, हम पूरा पतले पतले करके करेला को धो के काट लिए हैं और इसका बीज भी निकाल लें। आप चाहे तो बीज रहने भी दे सकते हैं, पर वो मैं बीज निकाल दी हूँ। अभी हम बनाना शुरू करते हैं। अभी हम करेला को एक बाउल में निकाल लिए हैं। अभी इसमें जो जो मसाला, नमक, हल्दी सब डाल देंगे। इसमें कड़वापन बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए हम इसमें पहले विनेगर डालेंगे 2 चम्मच जितना, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। वो विनेगर डालने से बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता और हम जितने भी मसाला डालेंगे इसमें अच्छे से चिपक जाएंगे। और आप लोग विनेगर के बदले नींबू भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, अभी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और 1 चम्मच बेसन डाल देंगे, और 1 छोटी टीस्पून हम जीरा पाउडर डाल देंगे, और 1 छोटी टीस्पून हम धनिया पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो जीरा पाउडर और धनिया पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम सब चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, करेले को हम अच्छे से सब मसालों के साथ मिक्स कर लिए हैं। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए, तेल गरम हो गया। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। आधा आधा करके फ्राई कर लेंगे। देखिए, करेला वो फ्राई हो गया और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अभी फिर से तेल में डाल देंगे। देखिए, हम सब करेले को फ्राई कर लिए हैं। देखिए, सब करेला को हम फ्राई करके निकाल लिए हैं और वो करेला पूरा कुरकुरे बन के रेडी हो गया है। देखिए, पूरा कुरकुरे। और आप लोगों को मेरी करेला का रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।